Hello, good morning everyone. Myself Sushant Singh. Welcome to my channel Maxwell Chemistry. तो आज के इस वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में होते हैं, तो एलिमेंट वाइज मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ. तो दो वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, हाइड्रोजन के ऊपर और हीलियम के ऊपर. तो अगर इन दोनों से रिलेटेड आपको कोई नॉलेज चाहिए तो आप ऊपर आई बटन देख रहे होंगे, उस आई बटन को टच कर दीजिए और वहाँ पर जाकर जो है आप हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में जान सकते हैं. ठीक है, तो आज मैं तीसरा एलिमेंट लेके आया हूँ, लिथियम. पीरियोडिक टेबल का थर्ड एलिमेंट लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है, और मास नंबर होता है 7. तो लिथियम की बात आज के इस वीडियो में करेंगे, तो बहुत समय वेस्ट ना करते हुए सीधे हम शुरुआत करते हैं. तो पूरा का पूरा नॉलेज आपको इसके बारे में मिल जाएगा, एक स्मॉल विकिपीडिया आप कह सकते हैं. ठीक है, देखिए तो रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या होता है, 3Li7, ये रिप्रेजेंटेशन होता है. आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लिथियम को. ठीक है, इसका अपीयरेंस होता है, मतलब ये दिखने में कैसा होता है, अपीयरेंस मतलब दिखने में कैसा होता है, तो सिल्वरी वाइट इसका अपीयरेंस होता है. ठीक है, इसका स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट क्या होता है, 6.938U या 6.997. दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं, दो आइसोटोप्स, लिथियम के दो आइसोटोप्स होते हैं, नीचे लिखा है. तो उन्हीं का अलग अलग ये मास होता है. तो एक का होता है 6.938 और एक का होता है 6.997, दोनों लगभग अप्रॉक्स 7 के करीब. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डिस्कवरी इसकी किसने की थी, जोहान ऑगस्ट अर्फ वेटसन. ठीक है, 1817 में, इनकी इमेज भी आपको दिख रही होगी यहाँ पर. ठीक है, तो और आइसोलेट किसने किया था, देखिए डिस्कवरी का मतलब उसके बारे में जानना, और आइसोलेशन का मतलब होता है कि उसको सबसे पहली बार किसी कंपाउंड से अलग करके एक सेपरेट फॉर्म में ले आना. तो सबसे पहली बार इसके बारे में जाना कौन था इन्होंने, और सबसे पहली बार इसको आइसोलेट किसने किया था लैब में एक्सपेरिमेंट करके, विलियम थॉमस ब्रैंड ने 1821 में, 4 साल के बाद. ठीक है, आइसोटोप्स लिथियम के दो आइसोटोप्स होते हैं, 6Li और 7Li, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3, लेकिन दोनों का परसेंटेज अलग है. ये जो 6 वाले मास वाला होता है ये 7.59% ही पाया जाता है पूरे ब्रह्मांड में, और ये जो 7Li वाला होता है ये 92.41% पाया जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं. डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लिथियम की क्या पोजीशन है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू क्या होता है, 3. आप लोग को पता होगा कि एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. इसका एटॉमिक नंबर आपका 3 है, इसका मास नंबर है 7. 7 का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम कितना है, 7 है. पीरियड, पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड में आता है, किस पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड में आता है. किस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में आता है. और एक चीज यहां पर मैं नहीं लिखा हूं, आगे लिख दे रहा हूं, 7 पॉइंट लिखा हूं ना, 8 पॉइंट यहां लिख दे रहा हूं. अगर पूछे ग्रुप इसका कौन सा है, तो ग्रुप इसका है 1. कौन सा ग्रुप है, 1. तो पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट ग्रुप में आता है और सेकंड पीरियड में आता है लिथियम. ब्लॉक इसका एस ब्लॉक है, पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, S, P, D, F. ठीक है, अच्छा अब देखिए एलिमेंट कैटेगरी इसकी क्या है, सॉफ्ट मेटल है, ये हार्ड मेटल नहीं होता है, सॉफ्ट मेटल होता है, कैन बी इजिली कट विथ ए नाइफ. अभी लास्ट में एक लाइन आपको बताऊंगा लिथियम के बारे में कि ये कैसे जो है, लिथियम जो है कुछ बीमारियों के इलाज के लिए एज ए मेडिसिन यूज होता है, तो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो वीडियो को देखते रहिए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1, मॉडर्न वाला और पुराना वाला क्या होता है, 2s8, इसको बोलते हैं बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इस नॉलेज को आप नोट कर सकते हैं. लिथियम की एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. ठीक है, तो वेरी सिंपल, लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1. लिथियम के ऑक्साइड का जो नेचर है वो होता है बेसिक. जितने भी लिथियम एक मेटल है, और शायद आप लोग पढ़े होंगे कि जितने भी मेटल्स ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कोई ऑक्साइड बनाते हैं, तो वो किस नेचर का होता है, बेसिक. जैसे लिथियम एक ऑक्साइड बनाता है Li2O, एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए, Li2O लिथियम ऑक्साइड, जब आप इसको पानी में घोलेंगे तो बनाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, और लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस. इसीलिए कहा जाता है कि लिथियम के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं. जितने मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं. ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है 0.98. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, पाउलिंग स्केल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
आयनाइजेशन एनर्जी, किसी भी एटम के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। तो लिथियम की, लिथियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 520.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन अभी आप लोग पढ़े हैं होता है 1s2 2s1। तो जो 2s1 का एक इलेक्ट्रॉन है ये इकलौता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन इकलौता होता है तो वो अनपेयर्ड होता है, क्या होता है, अनपेयर्ड। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, आसान है, और वैसे भी ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका क्या पूरा हो जाएगा, डुप्लेट पूरा हो जाएगा। इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी गई वो कम है, लेकिन दूसरे को निकालने के लिए जो एनर्जी दी गई बहुत ज्यादा है, और तीसरे को निकालने के लिए दी गई एनर्जी और भी ज्यादा है। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन लाइन बाय लाइन उनकी आयनाइजेशन एनर्जी 7298.1 ये 11815 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस, लिथियम के एटम का रेडियस होता है 152 पिकोमीटर। लिथियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रूम टेम्परेचर पर, सॉलिड। जब क्लास 12th में आप जाएंगे, जो भी बच्चे 12th वाले देख रहे होंगे उनको सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है, उनका पहला ही चैप्टर है। तो लिथियम का जो, लिथियम एक क्रिस्टल है, और लिथियम का जो है जो स्ट्रक्चर होता है वो बीसीसी टाइप का होता है। अब बाकी बच्चे सोच रहे होंगे सर बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बी माने बॉडी, सी माने सेंटर्ड, फिर सी माने क्यूबिक, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बाकी बच्चे इसको याद कर लें, और 12th वाले तो अच्छे से समझ रहे होंगे कि बीसीसी कहने का क्या मतलब है। आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ साउंड, अगर लिथियम के मीडियम में आप साउंड पास करेंगे तो उसकी स्पीड होगी 6000 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन एट 20 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक नेचर, लिथियम का भी मैंने बताया जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अकेला है, अकेला है मतलब अनपेयर्ड है, और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे के सारे पेयर्ड होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो ये आपका हो गया पैरामैग्नेटिक। अच्छा एक और जान जाओ, ये चलो ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का एक फार्मूला होता है √(n)(n+2) बोहर मैग्नेटॉन, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप चाहे तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हैं, मैं निकाल दे रहा हूं यहीं पर, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, मूवमेंट इसका फार्मूला होता है √(n)(n+2), n का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पर, बोलिए, एक, तो √(1, 1+2), तो ये आएगा √3, बोहर मैग्नेटॉन यूनिट होती है, बोहर मैग्नेटॉन यूनिट होती है। कुछ लोग इसको BM लिखते हैं, कैपिटल बी कैपिटल एम, तो आप ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं लास्ट वाला, मैग्नेटिक मोमेंट क्या का फार्मूला होता है ये, आगे चलकर कई चैप्टर्स में इसके, इसका इस्तेमाल आपको पड़ेगा, ठीक है। और ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो रखे इसको सॉल्व कर दिए, नोट कर लीजिए इसको भी। बात करते हैं लिथियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो ये आपको याद ही करना है, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसका फेज क्या होता है, सॉलिड, ना ये लिक्विड होता है ना ये गैस होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है MP माने मेल्टिंग पॉइंट 453.65 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 1603 केल्विन, डेंसिटी 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हीट ऑफ फ्यूजन 3 किलो जूल पर मोल, हीट ऑफ वेपराइजेशन 136 किलो जूल पर मोल। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, तो मैं हट जा रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लिथियम, तो बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट्स मैं उसमें आपको बताऊंगा और ये वीडियो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपने अगले पॉइंट्स की ओर, लास्ट पॉइंट्स की ओर, ठीक है, देखिए ये लिथियम जो होता है बहुत हल्का होता है, इतना हल्का होता है कि ये पानी पे तैर सकता है, और लिथियम जो एक मेटल है लेकिन फिर भी इतना सॉफ्ट होता है कि आप घर पे आलू प्याज की तरह इसको चाकू से कट कर सकते हैं। तो शुरू के दो पॉइंट वही है, इट इज सो लाइट इट कैन फ्लोट ऑन वाटर, ये पानी पे तैर सकता है, नॉर्मली आप सुनते होंगे कि मेटल्स जो है डूब जाते हैं, ठीक है। इट इज सॉफ्ट एंड इजिली कट विथ ए नाइफ, चाकू से काट सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मैन्युफैक्चरर ऑफ, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड बैटरीज, अभी आप देख सुने होंगे रफाल आया हुआ है इंडिया में, ठीक है। तो जो एयरक्राफ्ट होते हैं और तमाम तरह की आजकल मॉडर्न बैटरीज बन रही है, ड्राई सेल्स बन रहे हैं, तो लिथियम आयन बैटरीज बनाई जा रही है, तो तमाम तरह की लिथियम आयन बैटरीज भी बन रही हैं, और लिथियम का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट के मैनेजमेंट में, मेकिंग में भी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज आप ध्यान दीजिए, लिथियम कार्बोनेट LiCO3 को बोलते हैं लिथियम कार्बोनेट, इज यूज्ड एज एन कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, हेल्पिंग टू स्टेबलाइज वाइल्ड मूड स्विंग्स। कई बार क्या होता है कि इंसान की तबीयत खराब होती है, कभी कभी कुछ अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, सुसाइड करने का मन करता है, ठीक है, कुछ अजीबोगरीब ख्याल आते हैं इंसान के दिमाग में, जंगली टाइप के कुछ ख्याल आते हैं, ठीक है।
तो ये किसी भी, ये भी एक तरह की बीमारी है कि आपके दिमाग में उल जलूल बातें आना कि हम सुसाइड कर लें, हम किसी को मार दें, हम खुद मर जाएं, इस तरह की बातें आना ये एक तरह की बीमारी है। तो ये इसको बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, ब्रेन के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर होने की वजह से ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और इसके लिए भी मेडिसिन बनी हुई है कि ये मेडिसिन दी जाती है, जैसे अभी रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया तो वो उसके पहले मेडिसिन ले रहा था, तो ऐसी मेडिसिन में मिला होता है लिथियम कार्बोनेट, तो लिथियम से बनता है लिथियम कार्बोनेट, और लिथियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है ऐसी बीमारियों को दूर भगाने के लिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, लगभग मैंने आपको 70-80 बातें बताई हैं लिथियम के बारे में मात्र 10 मिनट में, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, जो जरूरी लगे उसको नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, थैंक यू।